नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज जनपद के नीचलौल से आ रही है। जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना मौत का केंद्र। बताते चले कि नीचलौल ब्लॉक के ग्राम मिश्रवलिया निवासी दीपक कुमार तिवारी अपने पत्नी पूजा तिवारी को रात में 11 बजे प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीचलौल पर भर्ती कराया था। आरोप है कि पूजा तिवारी दिनांक 17/11/2019 को प्रातः लगभग 5 बजे एक लड़का पैदा हुआ। बच्चे को किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं देखा गया, न ही बच्चे के कोई उपचार किया गया। बच्चे को स्टाफ नर्स के द्वारा एम्बुलेंस में ले जाकर ऑक्सीजन लगाया गया। डॉक्टर उमेश चंद कुशवाहा एवं डॉक्टर डीएन सिंह मरीज को देखे, परंतु बिना चेकअप किए ही मृत घोषित कर दिया। उनके द्वारा बताया गया कि बच्चा की मृत्यु हो गई है। बाद में बच्चे ने मुंह खोला, तब दीपक कुमार तिवारी बच्चे को लेकर संजीवनी हॉस्पिटल नीचलौल पहुंचे, जहां पर बच्चे को ऑक्सीजन लगाया एवं मसाज किया, परंतु बच्चे को रिस्पांस नहीं मिला और वहीं बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर डीएन सिंह ने बच्चे को नहीं देखा। स्टाफ नर्स के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि लिख कर दो कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है। अब ऐसे में भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर का यह रवैया क्या सिद्ध करता है, आप सब जान सकते हैं कि भगवान के रूप में माने जाने वाले डॉक्टरों की नीयत में कैसी खोटी है कि जान लेने से परे नहीं हो रहे हैं। नवजात शिशु को अगर समय पर इलाज किया गया होता तो शायद जान बच गई होती, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आए दिन जच्चा बच्चा की मौत होती रहती है और वहीं शासन प्रशासन मौत साधे हुए रहता है। कहीं कभी यदि पत्रकार खबर निकालता है तो उसके खिलाफ भी डॉक्टरों द्वारा कार्रवाई कराई जाती है। अब ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकार भी इन डॉक्टरों से सहमे हुए हैं, लेकिन आज बच्चे की मौत एक ऐसा उदाहरण बना जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उक्त दीपक तिवारी के परिजन ने जमकर हंगामा किया। साथ ही सांसद पंकज चौधरी के फोन पर पहुंचे प्रभारी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जांच किया तो पता चला डॉक्टर डीएन सिंह फरार हैं। दूरभाष के माध्यम से जब प्रभारी सीएमओ ने उनका लोकेशन जानना चाहा तो पता चला कि डॉक्टर डीएन सिंह गोरखपुर में हैं। अब ऐसे हालत में भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर को क्या कहा जाए, परिजनों ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं इंडिया पावर न्यूज के साथ एक रिपोर्ट। में सीएससी निचलौल में नवजात शिशु का मृत हो गया, डॉक्टर फरार हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने डंडा लेकर हमसे कहा कि आप लिख के दीजिए ऑक्सीजन नहीं था, इस पर क्या करेंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री अमरीश तिवारी जी के परिवार का एक
प्रसव था यहाँ पे और वो परिवार को लेके आए थे और यहाँ पे बच्चा भी नॉर्मल हुआ है, लेकिन केवल डॉक्टर की लापरवाही के नाते, पूरी तरह से घोर लापरवाही के नाते ये बच्चा एक्सपायर कर गया। ऑक्सीजन की कमी बताकर, जबकि यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, केवल वो न लगा के परिवार को भ्रमित करके उस बच्चे को डेथ घोषित कर दिया गया, वो एक्सपायर कर दिया। इसके लिए हमने माननीय सांसद जी से बात किया, माननीय सांसद जी ने CMO को तत्काल फ़ोन पर भेजा है, यहाँ पे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश माननीय सांसद जी दिए हैं। हम सभी ने अभी बताया है, माननीय CMO साहब को हम लोगों ने लिख के भी दिया है, किस तरह की घटनाएँ यहाँ, डॉक्टर जो भी प्रभारी हैं और जो प्रभारी नहीं है, जो सहयोगी हैं, वो पूरी तरह से लापरवाह हैं। यहाँ सरकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरकार के मानक के खिलाफ काम किया जा रहा है। सरकार ने जो व्यवस्था दी है आम जनमानस के लिए, वो उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो रहा, वो पूरा पैसा अपने पॉकेट में डाल रहे हैं और केवल बिल बना के वाउचर पेश कर दे रहे हैं, वो पूरी तरह से निंदनीय है। हम मांग करते हैं पुनः किस तरह के डॉक्टरों की यहाँ से तत्काल बर्खास्त किया जाए और यहाँ से इनको हटा के नए डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए, ताकि यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों को शासन के मंशा के अनुसार लाभ मिल सके, उपचार हो सके। सर, यहाँ से डॉक्टर सिर्फ इतना ही फॉर्मेलिटी करते हैं, आपका चेकअप किया और रेफर बना देते हैं, इस पर करते हैं। मैं तो बताया आपको कि अभी मैं CMO साहब से इस विषय में बात किया हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं पूरी तरह से लापरवाह हैं, घोर लापरवाह हैं, वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पूरी तरह से केवल वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बाहर कुछ दलाल पोस रखे हैं, अपने पास रखे हैं, जो प्रसव में आती हैं महिलाएँ उनसे 5,000 रुपये लेके उनको वहाँ भेज देते हैं। इसका मैं कई बार विरोध भी कर चुका हूँ, मैंने CMO से इसके पहले भी कहा था, इस बार माननीय सांसद जी ने पूरी तरह से इसको माननीय DM साहब से CMO साहब को यहाँ भेजा है। आपने इसके पहले जो CMO साहब से कंप्लेन किया था, शिकायत दर्ज करवाई थी अपनी, कितना दिन हो गया, कितने दिन पूर्व? 15 दिन पहले भी हमने एक शिकायत की थी, एक बुढ़ाड़ी कुर्द की एक महिला का प्रसव होना था, आए थे हम पूरे हॉस्पिटल में। उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई तो नहीं हुई, हम लोग बात करते रह गए, ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्या शासन मान लिया जाए फेल है? नहीं, शासन फेल नहीं है, शासन में कार्रवाई हो रही है, हम लोगों ने लिख के दिया है, ऊपर से जब आएगा। आपने 15 दिन पूर्व कार्रवाई के लिए मांग किया था, पुनः आज कल रात में घटना घट जा रही है, तो क्या शासन इसमें दोषी नहीं है? नहीं नहीं, शासन अपना काम कर रहा है, शासन दोषी नहीं है, यहाँ जो शासन ने जिसको लगाया वह दोषी है। आपने कार्रवाई की मांग किए थे तो आपकी बात को तुरंत सुना चाहिए। शासन हो रहा, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जल्दी हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो लोग यहाँ 20-20 साल 25-25 साल से बैठे हुए हैं नाग बन के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए भी हमारा ये कहना है कि सरकार में हम लोग बात किए हैं, हम लोग की जो क्षमता है उसके अनुसार हमने बात किया है, अपनी बात आगे तक बढ़ाया है, वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से उनको हटाया जाएगा और सरकार के मनसा के अनुसार काम यहाँ होगा, कोई घोर लापरवाही यहाँ। सरकार में एक आप जिम्मेदार पर्सन है, आप अपने अंदाजे से चाहे अपने विश्वास से बता दीजिए कि इन लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी, ताकि हमारी जनता हमारे माध्यम से जाने। नहीं नहीं, कार्रवाई तो बहुत जल्दी होगी और निश्चित रूप से जनता को लाभ देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से पुरजोश कोशिश किया है और वो कोशिश आगे भी जारी रहेगी, हम सभी उसके खिलाफ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय सभी हमारे जिले के प्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य के विषय में कोई भी अछूता न रहे, स्वास्थ्य उनको भरपूर मिले। इसी नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 5 लाख रुपये की जो व्यवस्था की आयुष्मान भारत के तहत, इसके तहत भी इलाज लोगों का करने का काम किया जाता है।